हेलो गाइस मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा जी हां आज एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स मतलब आ, मेरे ख्याल से जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही अपने स्टडी को लेके कंसर्न रहते हैं ठीक है बहुत सारे लोग हैं कुछ लोग हैं जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा निराश होते हैं और चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आएँ तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बेसिक आपकी डेली एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस करने होंगे हालांकि मैं ये जो वीडियो है वो थोड़ा फोकस बना रहा हूँ फॉर स्टूडेंट्स ठीक है लेकिन वो सारी पॉइंट्स जो है वो सभी के काम में आएंगी चाहे कोई अपने करियर की बात कर रहा हो या कोई हाउस हो ठीक है सबके लिए ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी मतलब क्या होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते मतलब हम ये कोई भी चीज़ जब होती है तो हम ये कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिला ये नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला एक्सरसाइज नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला ठीक है बहुत सारे हम रीजंस देते हैं तो अब हम फिलहाल उसी चीज़ को जानेंगे यहां पर कि क्या क्या बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हम जाने अनजाने में उस चीज़ को कर देते हैं और टाइम मैनेज नहीं हो पाता हमारी सही चीज़ों के लिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं गाइस और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो मैं आपको जो रूल्स बताने वाला हूँ फाइव गोल्डन रूल्स कहें तो जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से काफ़ी जो इन्फ्लुएंस है वो टाइम मैनेजमेंट की जो हमारी मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो बुक चलती है ठीक है उसके बेस पे मैं आपको कुछ आइडियाज़ यहाँ पर देने वाला हूँ सो so, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो मैं आपको रूल शुरू करूँ उससे पहले ये समझ लो कि डिसिप्लिन जो है सबसे बुनियाद है मतलब ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है इन टाइम मैनेजमेंट ठीक है अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो हम कितना भी प्लानिंग कर लें वो काम नहीं आएगी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी चीज़ अपने लिए आज सोच रहे हो ठीक है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको चलाते रहने के लिए डिसिप्लिन की बहुत सख्त ज़रूरत है ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं गाइज़ यहां पर पहला सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यहां पर क्यों हो इस वीडियो को जो आप देख रहे हो तो क्या रीजन है कोई रीजन होगा ठीक है मतलब एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना है पर क्यों है ना वाई डू यू वॉन्ट टू मैनेज द टाइम क्यों क्या जरूरत है क्या जरूरत पड़ गई भाई अचानक से कि आज हम इतनी उम्र हो गई अब हमको टाइम मैनेजमेंट की बात ध्यान आ रही है ठीक मतलब है इतनी उम्र मतलब बहुत ज़्यादा नहीं अगर बच्चों की बात करें तो ठीक है पंद्रह सोलह साल सत्रह सत्रह साल क्यों टाइम मैनेज करना है ठीक है वेर एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम आप जो मैनेज करना चाहते हो ठीक है शायद इसलिए कि हाँ मुझे समय नहीं मिल रहा पर आपको समय किस चीज़ के लिए किस में आपको डालना है वो समय ठीक है वो भी बहुत जरूरी चीज है ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग बट वॉट्स दैट ठीक है ना अगर तुम चाह रहे हो कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में इसलिए टाइम मैनेज करना है पर क्या है वो चीज़ अपने आप से पूछो ठीक है मैं आ, इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूं पर एग्जैक्टली exactly क्या आपको पता है कि आपको किस लिए मतलब क्या अचीव करना है ठीक है बहुत लोग होते हैं कि भाई लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अच्छा आ, स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं पर उनको यही नहीं पता होता कि उनको एग्जैक्टली exactly क्या अचीव करना है वो रियलिस्टिक चीज़ नहीं पता होती ठीक है तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ये जो दिख रहा है आपको कि अगर मान लो आपको निशाना लगाना होता है यहाँ पर और आपको पता ही नहीं होता कि हाँ इस चीज़ पे ये इस पॉइंट पे हमको निशान लगाना है तो आप कहाँ निशाना लगाते हैं एम कहाँ करते हैं है ना सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लियर गोल जो मैं कह रहा हूँ ना ये गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम मैनेजमेंट के पहले सबसे पहले प्रायोरिटी में ठीक है इसकी सबसे पहली चीज़ में आपको गोल सेटिंग बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों ठीक है प्लानिंग फॉर समथिंग विदाउट हैविंग अ क्लियर गोल जो मैं बता रहा था कि आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो ठीक है टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो कोई चीज़ प्लान कर रहे हो पर अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो जहां पर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो इट इज़ लाइक ठीक है विदाउट हैविंग अ क्लियर गोल इज़ लाइक पोस्टिंग अ लेटर विदाउट एड्रेस ठीक है तो यानी कि आप ये लगभग वही बात हो गई कि आपने किसी को खत लिखा है लेकिन उसका एड्रेस ही नहीं दिया तो वो कहां जाएगा है ना तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना गोल सेट कर लो ठीक है कि मुझे एक्जैक्टली exactly क्या चाहिए अगर मैं स्टूडेंट की तरह अगर अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं क्या अचीव करना चाहता हूं मुझे 80 परसेंट चाहिए या 85 चाहिए या 90 चाहिए 95 चाहिए या फिर मुझे बोर्ड में टॉप करना है अपनी स्कूल में टॉप करना है वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ठीक है अपने आप में वो क्लियर हो जाओ ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा पढ़ना है ये बहुत जनरल बात हो गई ठीक है बहुत स्पेसिफ़िक गोल रखो वो ज़्यादा सही रहेगा ओके okay, सो so अब हम शुरू करते हैं इस एग्जैक्टली जो पहला रूल है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए वो ये है कि भाई आपको सुबह जल्दी उठना है ठीक है मतलब ये तो ऐसा चीज़ हो गया आज के वर्ल्ड में या आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत मतलब गड़बड़ चल रहा है अभी है ना पहले कहा जाता था ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है ना तो हमको ये कहा जाता है कि हाँ जल्दी सोना है जल्दी उठना है पर आज की दुनिया में क्या हो गया ये चीज़ शिफ्ट हो गई हम जल्दी सो नहीं पाते बहुत सारे रीज़न् हमारे हाथ में जो फ़ोन जो ये डिवाइस आ चुकी है टीवी इंटरनेट का जो ये हमको इन्फ्लुंस हो गया सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है इन सब की वजह से आ, हम रात में जल्दी सो नहीं पाते और जाहिर सी बात है रात में जल्दी सो नहीं पाएंगे तो सुबह कहां से जल्दी उठेंगे ठीक है लेकिन ये चीज़ क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा और ये देखो मैं पहले ना मैंने वीडियो बनाई थी टाइम टेबल के ऊपर तो वहां मैंने बताया था कि या तो आप रात में ज्यादा देर तक जग के पढ़ सकते हो या तो सुबह जल्दी उठ के अब यहां पर बात ये होती है ना कि मैं अब यहां पर क्यों ये कह रहा हूं कि आपको सुबह जल्दी उठना ज्यादा प्रेफरेबल होगा वाई सो तो वो देखो यहां पर कुछ बातें हैं कुछ साइंटिफिक रीजन भी हैं यहां पर ठीक है पहली बात तो ये कि यू विल गेट मोर आवर्स जब आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि कोई बंदा मान लो आठ बजे या सात बजे या नौ बजे उठ रहा है कोई बंदा है जो चार बजे या साढ़े चार या पाँच बजे सुबह उठ रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ दो ढाई तीन घंटे का एडवांटेज तो होगा ही है ना और वो एक वो समय जो है ना बहुत ज़बरदस्त समय होता है मैं बता रहा मैं बता रहा हूँ क्यों ठीक है क्यों वो एडवांटेज काम आएगा अच्छा एक चीज़ आप देखो कभी भी हम ये मानते हैं कि हाँ किसी को रात का समय ज़्यादा वो यूटिलाइज़ कर पाता है पढ़ने के लिए या कोई भी रीजन्स के लिए और कोई बंदा होता है जो सुबह तो अब क्या डिफरेंस आता है देखो आप खुद मतलब उस चीज़ को चेक कर सकते हो कि जब आप रात में आठ नौ बजे या दस बजे आप घर से निकल जाओ एक बार वॉक करने निकल जाओ ठीक है और उसी के अगले सुबह आप काम करो कि आप सुबह जल्दी उठ के ठीक है चार पाँच बजे जब भी आपको लग रहा है आप सुबह निकल जाओ वॉक करने कहाँ पर आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश फील करेगा खुद ही आप समझ सकते हो ठीक है या आपको ज़्यादा फ्रेश कब फील होगा ऑब्वियस सी बात है कि सुबह के टाइम पर ऐसा नहीं कि सुबह ज़्यादा ठंड है या कुछ ऐसा है बट ऐसा होगा ठीक है वो तो रीज़न ये है साइंटिफिक रीजन ये है कि रात में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है एटमोसफियर में ठीक है ये साइंटिफिक है भाई ठीक है और सुबह जो है ही बात है कि उस टाइम पे ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। तो ये आपको ज्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा एनर्जी साइंस में हम पढ़ते हैं तो उस लिहाज से और, और हम सो के जब उठते हैं तो हम ही बात है कि हम फ्रेश हैं है ना ना तो हम हमको कल की थकान है मेंटल जो भी थकान है वो चीज़ नींद की वजह से चली गई है ठीक है रिफ्रेश हो चुके हैं एनर्जी है एनर्जाइज्ड है तो बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग जो है उस टाइम पे एक्टिव है या बहुत ज़्यादा काम करने के लिए तैयार है ठीक है तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है जो आपको काम आएगी कोई कहेगा सर नौ बजे भी ये चीज़ हो सकती है है ना सुबह अगर हम नौ बजे उठते हैं तो और ज़्यादा हम रिलैक्सड हैं अब देखो उसके उसके पीछे क्या क्या अब फ्लॉ आ जाएगा अर्ली स्टार्ट गिव्स यू मोर एडवांटेज ये तो है ही ठीक है सुबह जब हम उठो ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है और क्या है देखो सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो जो जब जल्दी उठते हो तो क्या एडवांटेज मिलता है वो ये उठता है ये ये होता है कि लीस्ट डिस्ट्रैक्शन टाइम होता है ये ठीक है मतलब आप जानते हो आज हम फ़ोन तो हमारे से एकदम कनेक्टेड हो गया है ना तो जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो लगभग चलती रहेगी जब दुनिया पूरी दुनिया जगी है सारे दोस्त जगे हुए हैं सारे रिश्तेदार जगे हुए तो वो कोई ना कोई मैसेज चल रहा है कोई सोशल मीडिया पे ठीक है चैट चल रहा है कोई ना कोई चीज़ चल रही है लेकिन जब हम सुबह उठते हैं जब हम चार बजे उठेंगे तो शायद ही कोई होगा जो उस वक्त हमको हमसे बात करना चाहेगा फ़ोन कॉल पर या मैसेज पर या कोई भी चीज़ होगी ठीक है यानी जो डिस्ट्रैक्शन होगा वो मिनिमम होगा उस समय पर ठीक है तो ये जो बात है ये बहुत जरूरी है इस चीज को इंप्लीमेंट करना कोशिश कर कर सकते हो और शुरू कर सकते हो इस चीज को ठीक है अब देखते हैं आगे क्या है अगला रूल प्लान योर डे ठीक है अब ये ये चीज देख लो इफ यू वॉन्ट टू गो ईस्ट डोंट रन टूवर्ड्स वेस्ट ठीक है ये एक फेमस प्रॉब है टाइम मैनेजमेंट को लेके ही कि अगर मान लो मुझे जाना इस तरफ है यहां मेरा गोल है ठीक है मेरा गोल ये है तो ऑब्वियस ही बात है मैं इसी तरफ जाऊंगा अगर मैं इस तरफ दौड़ रहा हूं तो क्या मतलब होगा है ना तो प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी चीज़ है अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप मेहनत तो कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं आएगा इंपैक्ट जो है कब क्रिएट होगा जब आपका डायरेक्शन सही हो ठीक है तो इस चीज को ऑब्वियस ऑब्बियस ही बात है पूरा टाइम मैनेजमेंट इसी पे बेस्ड है प्लानिंग गोल सेटिंग तो भाई चलो हम कर सकते हैं पर उसके पीछे जो प्लानिंग है वो बहुत जरूरी है दैट गिव्स यू द डायरेक्शन है ना और क्या है हैव अब इसमें देखो क्या बताया गया है प्रॉपर डेली टाइम टेबल मतलब अगर हम बच्चों के हिसाब से बात करें स्टडीज के हिसाब से बात करें तो प्लानिंग का मतलब क्या है एक सही टाइम टेबल जो आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट ऐसा बना सकते हो कि हाँ भाई मुझे आज के दिन ये ये चीजें करनी है ओके अब इसको भी कैसे किया जा सकता है थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे ठीक है ये जो एबीसी सिस्टम है ठीक है ये काफी फेमस सिस्टम है ये जिसके अंदर आ, हम अपने वर्क को अपने टास्क को जो भी चीज हमको करनी है दिन भर में उसको हम तीन पार्ट्स में तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है ए बी सी ठीक है अब यहां पर ए का मतलब क्या होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होंगे मतलब ऐसे जो बहुत ज़रूरी काम है हमारी जिंदगी के जो हमको हमारे गोल की तरफ ले जाएंगे और बहुत ज़्यादा ड्राइव करने वाले हैं ठीक है थीके? तो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को मैं ए में रखूंगा मान लो वन टू थ्री यहां पर तीन काम है जो बहुत ज़रूरी है सबसे ज़रूरी तो मैं यहां पर लिख दूंगा ठीक है जो थोड़े कम ज़रूरी है इनसे कम जरूरी है उसको मैं बी वाले स्लॉट में रख सकता हूं कि मतलब पहले ये होने ही चाहिए ये वाले अगर ये वाला हो गया तो मैं ये कर सकता हूं बट ये इतने इतने जरूरी नहीं है बट है ठीक है मेरे लिस्ट में है आगे मुझे करना ही होगा तो ये मैं यहां पर लिख दूंगा ठीक है लाइट फोर फाइव सिक्स ये मैं यहां पर लिख दूंगा फिर अगला जो है कुछ और ऐसे काम जो करने हैं है ना लेकिन आज नहीं अगर कल भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो वो मैं यहां पर सेवन एट नाइन यहां पर मैंशन करूंगा अब ये स्टडीज के लिहाज से आप कर सकते हो अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ठीक है जैसे मान लो घर के कुछ ऐसे काम हैं लाइट बिल भरना या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कल या परसों में शिफ्ट कर सकते हो कोई भी चीज़ हो सकती है तो आप उसको यहाँ पर ऐसे शिफ्ट करते हैं। ऐसे आप लिखोगे अपने डेली रूटीन वाले में ओके स्टडीज़ के हिसाब से थोड़ा सा आता है कि जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो मान लो कि एक इम्पॉर्टेंट सबमिशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो आज ही होना ज़रूरी है तो ऑबिय बात हम यहाँ रखेंगे ठीक है एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका पढ़ना मुझे बहुत जरूरी है वो मैं यहां रखूंगा ओके एक ऐसा असाइनमेंट है जो शायद मुझे परसों सबमिट करना है तो अभी भी सी बात है मैं उसको यहां रख सकता हूँ बी वाले में तो इस तरीके से आप यहां पर क्या कर सकते हो इसकी लिस्ट बनाओ और और क्या करो इसको टाइम अलॉट करो बहुत जरूरी है ना कि आप इसको टाइम भी दोगे ओके सो सेट डेडलाइंस फॉर द वर्क फॉर योर वर्क ऐसा नहीं कि इसमें आपने लिख दिया तो ये आज करोगे ये कल हो जाएगा ये परसों ये आपका एक दिन का शेड्यूल है तो आप टाइम भी उस हिसाब से प्लान करोगे मतलब ऐसा है कि भाई ये मैंने दो घंटे या तीन घंटे का प्लानिंग में कर दिया ठीक है या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे पढ़नी है तो मैं उसको यहां पर रख रहा हूं तो मैंने उसको दो या तीन घंटे का टाइम में ये चीज़ रख दी आगे के टाइम के लिए मतलब आज ही के दिन में मैं आगे के टाइम के लिए ये प्लान कर रहा हूं तो अगर मेरा ये हो गया तो आई आई डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस ठीक है ये हो गया तो मैं ये ट्राई करूंगा मतलब ये सारा मेरे आज के स्लॉट में हो सकता है अगर हर चीज़ सही चली तो ठीक है मतलब प्लान ये एक ही दिन का है लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे इससे क्या होगा ना आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा ठीक है कभी कभी क्या होता है हम हम ये प्लान नहीं कर रहे मान लो तो अगर ये हमने कुछ दस चीजें एक साथ लिख रखी है और ये दस चीज में से अगर सात हुआ छह हुआ तो भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं फिर मिलेगा यार कि नहीं मतलब पूरा नहीं कर पाया मैं अपना काम आज का ठीक है लेकिन जब ऐसे करोगे ना तो आपको पता है कि हाँ मैंने जो जरूरी जरूरी, जरूरी चीज़ें हैं वो मैंने निपटा ली है अब ये चीज़ें छोटी मोटी ये जल्दी हो जाएंगी ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो प्लानिंग कर सकते हो दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव ठीक है और ये जो चीज़ है ना इसको बोलना नहीं डेडलाइंस ठीक है हर चीज़ की कोई कोई पर्सन अगर मान लो कि कोई काम कर रहा है उसको एक काम दिया गया है ठीक है मान लो मुझे एक यहाँ सी दिख रहा है उसको मुझे बनाना है या उसको कुछ ठीक करना है और बस मुझे काम दे दिया भाई ये करके रखना तो शायद मैं उतना इफेक्टिवली ना करूं बट मुझे ये कहा गया कि ये चार बजे तक मुझे चाहिए आज तो मैं उसके पीछे काम करना शुरू करूंगा ये डेडलाइन जो है ना खुद को देनी बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप प्लान तो कर रहे हो साथ में उसको डेडलाइन के साथ ठीक है कंप्लीट करने की भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए ठीक है सो दैट वाज रूल नंबर थ्री रूल नंबर टू की भाई आप प्लानिंग की बहुत जरूरत है ओके विदाउट प्लानिंग नथिंग कैन बी डन अच्छा तीसरा जो रूल है तीसरा जो गोल्डन रूल है वो ये है कि वर्क मोर ऑन योर प्राइम टाइम अगर आपको पता हो कि कोई भी एडवर्टीजमेंट टीवी पे जब दिया जाता है ना ठीक है कोई भी चैनल सोनी हो स्टार हो कोई भी चैनल हो कलर्स हो तो ना उस एड को टीवी पे चलाने का कीमत तो ऑब्वियसली होता है टीआरपी एंड ऑल पे बेस्ड होता है सबसे ज़्यादा जो वो कीमत होता है ना वो कब होता है प्राइम टाइम पे मतलब रात को आठ बजे का टाइम हो या नौ बजे का टाइम हो ये प्राइम टाइम होता है जब मोस्टली लोग टीवी देखने का ठीक है टीवी देखते हैं ठीक है फैमिली के साथ बैठ के खा रहे हैं तो वो सब रीजनस की वजह से हो सकता है तो उस टाइम को प्राइम टाइम माना जाता है है ना उस केस में ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारे लिए प्राइम टाइम क्या हो सकता है वो हमें ज्यादा बेहतर पता होगा ठीक है जैसे मैंने बताया सुबह जल्दी उठे वो वो जो टाइम है वो आप जबरदस्त यूटिलाइज कर सकते हो दिमाग एकदम फ्रेश है तो मोस्ट ऑफ द अगर हम बात करें ज्यादातर लोगों का ज्यादातर बच्चों का अगर हम बात करें तो वो समय जो है आप अपने सबसे मतलब ऐसी टॉपिक जो बहुत टफ लगती है जो ऐसे समझ नहीं आती लेकिन दिमाग बहुत फ्रेश होगा तो चल जाता है तो आप उस मॉर्निंग के टाइम को को अर्ली मॉर्निंग के टाइम को आप यूज कर सकते हो टू कवर दैट टॉपिक ठीक है तो वो आपका प्राइम टाइम हुआ ऐसे कुछ बच्चों का होता है कि भाई नहीं मैं आ, रात को रात को मतलब कि समझो आठ बजे से लेके दस बजे तक मैं जबरदस्त पढ़ सकता हूं अपना एकांत एक में बैठ के शांति से पढ़ सकता हूँ मुझे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगता है तो वो मेरा प्राइम टाइम है मैं उसमें पढ़ूंगा है ना तो अपने प्राइम टाइम को पहचानो ठीक है आइडेंटिफाई प्राइम टाइम मेक इट द मोस्ट प्रोडक्टिव मेक इट मोस्ट प्रोडक्टिव ठीक है उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओ मान लो कि आप अपने प्राइम टाइम को आपको पता है कि हाँ इस टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ सकता हूँ लेकिन उस टाइम में मैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ ठीक है या आ, कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मतलब अनवॉन्टेड है ना गेम गेम्स खेल रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ ठीक है ऐसे ही पाँच पाँच मिनट करके हाँ भाई पाँच मिनट रुक जाओ मैं ये कर लूँगा ठीक है अपने आप को एक्सक्यूज़ देते जा रहे हो तो आप जो है अपना सबसे कीमती जो पल है वो आप खो रहे हो दैट विल ऑब्वियसली आपका जो गोल है उस तरफ स्लो ले जाएगा आपको तो अपने प्राइम टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करनी है अगला क्या है रूल नंबर फोर है मेक यूज ऑफ वेटिंग टाइम एज वेल वेटिंग टाइम क्या होता है आइडेंटिफाई नाना uh, ये जो है पिछला ठीक है तो इसको मैं ये वाले को एलेबरेट करना है मेक यूज ऑफ वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम क्या होता है अब जैसे मान लो कि मुझे जाना है स्कूल मुझे स्कूल जाना है लेकिन बस आने में आज देरी कर रही है आज मान लो बस जो है मुझे पता लगा कि हाँ वो आज आधे घंटे लेट आ रही है कुछ ऐसा है ठीक है तो उस टाइम को मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरा वेटिंग टाइम है अब मैं उसमें कुछ बकवास चीज़ें ठीक है टाइम पास कर लूँ या उसको मैं यूज़ करूँ अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मान लो आज का एक होमवर्क है जो मैंने नहीं किया या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ उतने टाइम पे मैं अपने पढ़ाई से जुड़ा हुआ तो वो मैं कर लूँगा ठीक है जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं हमको आज मतलब ट्रैवल करके हाँ मान लो कि हम स्कूल बस से ही जा रहे हैं अगर हमको जितना ट्रैवलिंग लगता है मान लो आधा घंटा एक घंटा वो ट्रैवलिंग टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि किताब खोल के ही पढ़ें हम ठीक है कुछ चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला है ये जो भी हमने फॉमूला पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर सकते हैं अपने मन में तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं टू मेक आर टाइम्स मोर इफेक्टिव ठीक है मतलब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मैं हमेशा इंप्लीमेंट करता हूँ इस चीज़ को ठीक है जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त आने वाला है ओके ज़रूरी काम से आने वाला है पर अब लेट हो रहा है उसका ट्रेन है न कुछ भी लेट हो गया है मैं वहाँ पहुँच गया हूँ तो मैं उस चीज़ को यूज़ कर लेता हूँ बहुत सारी काम करने जैसे मान लो कि लाइट बिल भरनी है ठीक है मैं करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे वो कर लूँगा किसी को कुछ पेमेंट करनी है वो मैं कर देता हूँ ठीक है किसी पर्सन से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है किसी टीचर से या कोई भी तो मैं वो कर लूंगा ओके okay? तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उस टाइम पे निपटाए जा सकते हैं वो हम करेंगे एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि भाई आपका वेटिंग टाइम ऐसा कोई टाइम मतलब ऐसा कोई भी टाइम जो आप ऐसा लगता है कि वो अनप्रोडक्टिव है उसमें कुछ किया नहीं जा सकता वो आप यूज़ कर सकते हो अपने रिविजन्स के लिए है ना एटलीस्ट उस चीज़ के लिए हम ले आ सकते हैं एज अ स्टूडेंट की अगर हम बात करें ओके एंड देन रूल नंबर फाइव क्या है ये सर पांचवा रूल क्या है स्टार्ट सेइंग नो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है ठीक है क्या क्या कौन सी कौन सी बातें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ठीक है टीवी टेलीविज़न ठीक है ये एक ऐसी चीज़ है मैं आपको बताऊंगा इसमें टेलीविजन है इंटरनेट है सोशल मीडिया है आजकल ये नई चीज़ें आ गई है ना गेमिंग आ, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज रहना ओके मोबाइल की नोटिफिकेशन को चेक करना मैं तो ये कहता हूँ नोटिफिकेशन का नाम बदल के डिस्ट्रैक्शन रख देना चाहिए बिकॉज ये होता है सिर्फ बच्चों के केस में नहीं बड़ों के केस में और मतलब मैक्सिमम लोग इस चीज़ में इस ट्रैप में फंसे हुए हैं ठीक है अब लोग ये कह सकते हैं कि सर इंटरनेट या, या यूट्यूब या ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं बट आप खुद सोचो कितना एजुकेशनल कंटेंट देखते हो और उस चक्कर में आप उसमें आपने मान लो कि एड्यू मंत्रा या कोई भी एक चैनल ऐसा जो स्टडी के लिए आपने ओपन किया हुआ है और आपने फिर उसके बाद आप कहाँ से कहाँ आप सर्व कर लेते हो ठीक है मतलब उसके बाद नीचे और नोटिफिकेशन आ रहे हैं मतलब ये क्या हो रहा है इसमें आप बेसिकली आप चाहते हो कि हाँ एजुकेशनल कंटेंट में जाएं, लेकिन उत, उसमें उसके अलावा फिर आप और ज़्यादा खो जाते हो उसमें और ज़्यादा भटक जाते हो है ना तो ये एक मतलब मानी जा सकती है कि हाँ डिस्ट्रैक्शन है अगर हम टीवी की बात करें तो आप एवरेज में अगर देखें अगर आप अपने आप अप, अपने समय को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो अपने सेवन डेज का ना टाइम प्लान देखो कि आप आपका ज़्यादातर टाइम या टाइम कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है फ़ोन में कितना टाइम जा रहा है टी में कितना टाइम जा रहा है उन चीज़ों को थोड़ा सा कैलकुलेट करो अगर सात दिन में इतना टाइम जा रहा तो मैंने एक हफ्ते में सॉरी एक महीने में कितना टाइम गया एक साल में कितना टाइम गया मैंने अब तक की लाइफ में कितना टाइम इसमें डाला हुआ है तो आपको पता लगेगा कि आप कितना प्रोडक्टिव हो सकते थे और आप कहां पर लाइक कर रहे हो ठीक है सो ये चीज़ बहुत देखो ये डिफरेंस क्रिएट करती है द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज सबसे बड़ी डिफरेंस ये है दैट इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो उतना फोकस्ड होता है ठीक है उसके लिए डिस्ट्रैक्शन जो है ना उसने अपने एकदम हटा दिया है फोकस के साथ अपना काम करेगा ठीक है फोन को साइलेंट में रखा है फ़ोन बज रहा है ठीक है बाद में जब मुझे समय मिलेगा तो मैं देख लूंगा मैं मुझे लगेगा तो मैं कॉल कर लूंगा ठीक है कोई नोटिफिकेशन ज़रूरत नहीं अगर मैंने मान लो कि कुछ इंपॉर्टेंट मेल चेक करने मैंने वो मेल चेक करके फिर बंद कर दिया जब फिर टाइम मिलेगा जब वेटिंग टाइम होगा तब मैं और बाकी चेक कर लूंगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम जो सक्सेसफुल आदमी है वो कॉन्सनट्रेशन में ज़्यादा बिलीव करता है लेकिन जो सक्सेस नहीं ले पाता ठीक है वो इस वजह से वो ये सबसे बड़ा चीज ये है कि वो कॉन्सेंट्रेशन करना तो चाहता है फोकस करना तो चाहता है लेकिन डिस्ट्रैक्शन उसको ऐसा करने नहीं देता तो आपको चुनना जरूरी है जब भी छोटी छोटी चीजें जब हो रही हैं आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीजें जब आप कर रहे हो तो उसमें देखो कि क्या ये कॉन्सेंट्रेशन ला रहा है कि ये डिस्ट्रैक्शन ला रहा है आपका काम वही हो जाएगा है ना सो मेजर योर ये ये चीज आप जरूर करना कि अपने सात दिन का एक पूरा टाइम लॉग बना लो चेक करना कि मैंने अपना जो आज का समय है एवरी इवनिंग आप ये कर सकते हो या उसी समय कर लो कि मैं आज का समय कहाँ पर कितना कितना मैंने स्पेंड किया ठीक है उस हिसाब से आप बहुत जबरदस्त तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो अपने आप को ओके सो so ये तो हो गया रूल्स अब यहाँ पर कुछ फाइनल कुछ मैं आपको बातें बताऊं ज यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर मिनट्स एंड आर्स विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट ठीक है अगर आपने हर पाँच मिनट को जो हम बोलते हैं ना अरे यार पाँच ही मिनट तो लगेगा हम गेम खेल लेते हैं या बस पाँच मिनट में खेल के आता मैं कुछ भी कर रहा हूँ ऐसे ठीक है कोई भी टीवी देख रहा हूँ बस ये पाँच मिनट कर लिया मैंने चैनल चेंज किया कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई तो आप उस हर पाँच मिनट उस हर दस मिनट को जो आप बर्बाद करने में डाल रहे हो उसका अगर ख्याल रख लेते हो उसको अगर बचा लेते हो तो आपका जो जो इंपॉर्टेंट आर्स है वो बच जाएगा है ना मतलब अगर मैंने पाँच पाँच मिनट बचा लिए इस तरीके से तो मुझे बहुत बेहतरीन घंटे जो है वो मुझे मिल सकते मेरे इंपॉर्टेंट काम के लिए जो मुझे अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं ठीक है एंड सो ऑलवेज हैव वॉच ऑन वॉच ठीक है हमेशा जो है अपना जब जब भी कोई काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस करते ही जा रहे हो एग्जाम में पेपर लिखने गए बस आ रहे हैं हाँ बस घुस गए पेपर लिख रहे हैं कुछ भी समय देखा ही नहीं पेपर छोड़ गया है ना तो अपना आज टाइम को बहुत ध्यान से यूज करो और टाइम पे हमेशा नजर होनी चाहिए ओके ऑलवेज अ वॉच ऑन वॉच एवरी फाइव मिनट दैट यू प्लान टू वेस्ट है ना मैंने जो बताया कि हर पांच मिनट जो हम वेस्ट कर देते हैं कि भाई बस पांच ही मिनट तो किया मैंने ये टाइम ये काम ठीक है वो पांच मिनट ही किसी को सक्सेसफुल बनाती है उसी हर पांच मिनट को वो सक्सेसफुल पर्सन जो है वो यूटिलाइज़ कर लेता है अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए और वही पाँच मिनट जो है वो क्या होता है उसके लिए सक्सेस का की फैक्टर वो एक्स फैक्टर होता है ठीक है अब फाइनली एक चीज़ कहना चाहूंगा टू ऑल ऑफ यू कि ये चीज़ आप करोगे मतलब आप अपने लिए एक डायरी बनाओ और वो डायरी जो है आपका प्लानिंग डेली प्लान जो है वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए आप यूटिलाइज करोगे ओके तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि आप भी अपने लिए एक डायरी बनाओ जहाँ पर आप अपने दिन को प्लान करोगे और आपकी स्टडीज़ कहाँ कहाँ पर कौन सी टॉपिक्स हो रही है कौन सी बाकी है वो सब चीज़ें आप वहाँ पर वैसे अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो ठीक है उम्मीद है गाइस कि आपको ये जो भी हमने आज चीज़ें बताई फॉर टाइम मैनेजमेंट समझ में आई है और मैंने थोड़ी सी जनरल बताई है आप अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको बहुत इम्प्लीमेंट करोगे और जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं जो अपने करियर में हैं जो कुछ और फील्ड में है तो वो अपने लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन पॉइंट्स को अपने लाइफ में और अपने चीजों में इसको ला सकते हैं ओके सो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग सी अगेन नेक्स्ट टाइम बाय बाय